देखिए आज की जो पत्रकार वार्ता है ये ठीक है कि मैं बस में आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सारे अपने दुकानदार भाइयों की तरफ से ही बात कर रहा हूँ। जो ये परसों इन्होंने पिछले दिनों हमारी व्यापार मंडल कमेटी ने जो जो मीटिंग बुलाई थी उसमें मैं ये समझता हूँ उन्होंने व्यापारियों को गुमराह किया। उनका जो मैसेज था वो ये था कि हम वोट ऑफ थैंक्स करने वाले हैं और जो हम ओथ सेरेमनी करेंगे उसमें मेरे को भी न्योता था, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा पाया, मैं बाहर था। तो हमारी कमेटी ने यह डिसाइड किया था कि हम बाहर बाद में जाएंगे और इनको हम सम्मानित करेंगे जो भी कमेटी बनेगी। लेकिन जब वहाँ पर हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, वहाँ पे इन्होंने अपनी टीम की अनाउंसमेंट की है, तो ठीक है वो उनका प्रोवोगेट था, वो अनाउंसमेंट कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किया ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मेरा कहना है। दूसरा हद तो तब हो गई जब उन्होंने चेयरमैन पोस्ट की अनाउंसमेंट की, वहाँ पर उन्होंने ये शो किया कि आपने हमारी मदद की है, हम आपकी मदद कर रहे हैं और ये लो आप उसका रिवार्ड, तो वो उन्होंने उसको चेयरमैन की उनको पोस्ट दे दी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ये हमारे व्यापार मंडल के लिए एक बड़ा कलंक का दिन वो उस दिन रहा। होना ये चाहिए था कि ये इनकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी थी वो एक रेजोल्यूशन डालती, उस रेजोल्यूशन के तहत ही वो चेयरमैन को नाम आगे बढ़ाते और वो कमेटी डिसाइड करती कि ये हमें चेयरमैन चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करते हुए एक इसको अनाउंसमेंट कर दी कि प्रेसिडेंट ने ये शो किया कि आपने मेरी मदद की है, मैं आपकी मदद करता हूँ, जिससे ये हमें महसूस हुआ। और ये इलेक्शन जो थी ये पहले से शक के घेरे में थी और वो हमारा शक पुख्ता हुआ हमारे सब व्यापारियों का जब उन्होंने इस इलेक्शन कमेटी के एक मेंबर को एक चेयरमैन की पोस्ट दी। आज उसके खिलाफ़ हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज उसके बारे में हमने बात की है और हमारा यही कहना है कि वो जो चेयरमैन बने हैं वो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो एक वार्ड के काउंसलर भी हैं, वो एक संस्था के प्रेसिडेंट भी हैं, चेयरमैन भी हैं, और सबसे बड़ी बात है वो गवर्नमेंट से अपना सैलरी या वेजेस जो भी है वो लेते हैं। तो हमारी ये ऑब्जेक्शन है कि वो चेयरमैन की पोस्ट पर ना आए, इसमें अपना इस्तीफा दें व्यापार मंडल के हित के लिए, और वो काम करना चाहते हैं और बड़े तरीके वो व्यापार मंडल में काम करें, ये हमारी मांग रहेगी और इसकी मांग के लिए हम आपके माध्यम से अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। ये थी आज की बात।